हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि अलग अलग मेडिसिन के साइट नेम के आगे आईपी, बीपी, यूएसपी इस तरह के शब्द लिखे होते हैं। आखिर इनका क्या मतलब होता है? तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनका मतलब क्या होता है और आईपी, बीपी, यूएसपी ही क्यों लिखते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली आईपी, बीपी या यूएसपी में पी कॉमन है और जो पी कॉमन है उसका अर्थ होता है फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया को पी इंगित करता है और जो दूसरे शब्द होते हैं वो उस देश को इंगित करते हैं। तो फार्माकोपिया एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर किसी भी देश की सारी दवाओं के फार्मूला लिखे होते हैं, यानी कि उसका जो कंपोजिशन होता है, साल्ट नेम होता है, वो लिखा होता है। तो अब कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर किसी भी मेडिसिन को बनाता है तो वो जिस फार्माकोपिया से मेडिसिन का कंपोजिशन लेता है वो अपने मेडिसिन के आगे उसी फार्माकोपिया के नाम को लिखता है। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि आईपी, बीपी, यूएसपी होता क्या है। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें आईपी के बारे में तो आईपी का मतलब होता है, आई का मतलब इंडियन, पी का मतलब फार्माकोपिया, यानी इंडियन फार्माकोपिया, यानी भारत के अंदर में जो दवाओं की किताब है जिसके अंदर कंपोजिशन लिखा गया है उसे हम आईपी कहते हैं। इसी तरह से बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यानी कि ब्रिटिश जो ब्रिटेन या ब्रिटिश के अंदर जितनी भी फार्माकोपियाज हैं उनको हम लोग बीपी बोलते हैं और वहाँ के कंपोजिशन को ब्रिटिश फार्माकोपिया या बीपी लिखा जाता है। इसी तरह से यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में जितने भी मेडिसिन हैं उनके जो कंपोजिशन हैं वो यूएसपी में लिखे होते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरर जिस मेडिसिन को बनाता है, जिस मेडिसिन को बनाने के लिए वो जिस कंपोजिशन का यूज़ करता है, यानी कि अगर उसने बीपी से यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया से कंपोजिशन को लिया है तो वो अपने दवाओं के साल्ट नेम के आगे बीपी लिखेगा। अगर यूएसपी से लिया है तो यूएसपी लिखेगा और अगर आईपी से लिया है तो आईपी लिखेगा, यानी कि जिस देश की फार्माकोपिया से लेगा उसी देश की फार्माकोपिया का नाम लिखेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो में कुछ समझ में आया कि मेरे हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि बीपी, यूएसपी और आईपी ये सब क्यों लिखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ नई जानकारी मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप 1 रुपये से लेकर 50 रुपये तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद।